विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। लो हर लिया मैंने प्रकाश, अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत। वेदों का दिव्य प्रकाश फिर अंधकार में कैसे परिवर्तित हो गया? नहीं भैया, इस अंधकार में आप भी उन्हें नहीं ढूंढ सकेंगे, इसलिए अब भीतर जाने का कोई लाभ नहीं। दुर्गमा सुर, ये दोनों महादेव पुत्र तो यहाँ तक भी पहुँच गए, हमें कहीं और जाकर छिपना चाहिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि ये दोनों इस अंधकार में आ भी गए तो अवश्य इस अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस अंधकार में तो हम जैसे अधर्मी और अंधकारी ही रह सकते हैं। और रही बात वेदों के नष्ट करने की, तो अब तो मेरे पेट की अग्नि ही उन्हें पचा कर नष्ट कर देगी। भैया, उस दुष्ट ने वेदों को निगल लिया है, इसलिए अब उनके प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही व्याप्त है, इसलिए हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना चाहिए। किंतु कैसे गणेश, जब वेद अपने स्थान पर लौटेंगे तभी त्रिदेव त्रिदेवियां देवी देवता पुनः प्रकट होंगे और सृष्टि अपनी संतुलित अवस्था में लौटेगी, अन्यथा कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अब शीघ्र ये धरती भी शेष नहीं रहेगी। इसीलिए अब और प्रतीक्षा का समय नहीं है हमारे पास, हमें इस अंधकार में प्रवेश करना ही होगा। नहीं भैया, हमें धैर्य धारण कर स्थिर भाव से सोचना चाहिए, तभी हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं। अब एक ही उपाय है भैया, माता, माता को उनकी योग निद्रा से जागृत करना। अब वही अपने वेद माता रूप में इस अंधकार में भी उन असुरों और वेदों को ढूंढ सकती हैं। माता को इस प्रकार जागृत करने से वो क्रोधित हो गई तो कहीं कोई नया अनर्थ न हो जाए। माता, मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, किंतु मैं विवश हूँ क्योंकि असुरों द्वारा वेदों को निगलकर लुप्त करने के कारण संपूर्ण सृष्टि विनाश के निकट है। अब आप ही सबकी रक्षा कर सकती हैं माता। माता, संकट अब विकराल रूप ले चुका है और आप में ही इसे रोकने की क्षमता है, इसलिए अपनी योग निद्रा से बाहर आने की कृपा कीजिए माता। माता, अब आप ही सृष्टि की रक्षा कर सकती हैं। उठ जाइए ना माता, उठिए माता। माता, आप अपना हट त्याग दीजिए ना, उठिए माता, उठिए ना माता, उठिए माता, उठिए माता, कृपा कीजिए। जाग जाइए ना माता। कौन है? भंडासुर ने तो हमें जागृत कर दिया, किंतु उसका भाग्य स्वयं सो गया। प्रथम पूज्य गणेश और सेनापति कार्तिकेय इस बार हमसे वेद नहीं ले पाएंगे, कदाचित इस बार भाग्य हमारा साथ दे रहा है और हमें ही सृष्टि का साम्राज्य सौंपना चाहता है। किंतु हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अन्यथा वो हमारा वध कर देंगे। हम तब तक बाहर नहीं जाएंगे जब तक बाहर सृष्टि और तुम्हारे भीतर इन वेदों का विनाश नहीं हो जाता। और एक बार ये वेद नष्ट हो गए, उसके बाद कोई भी हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई परम ब्रह्म भी नहीं,
तब हम संसार की आरंभ से रचना करेंगे जिस पर केवल मेरा राज होगा, दुर्गमा सुर का। दुर्गमा सुर का। तुम्हारा राज क्यों होगा? मैं उस नए संसार का सम्राट बनूंगा। नहीं, तुम इसके योग्य नहीं हो। मैं बनूंगा सम्राट दुर्गमा सुर। योग्यता की बात मत करो। इन वेदों को अपने भीतर पचाने पर तो मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो? कि मैं अपने बल का प्रदर्शन करूं? माता, सृष्टि संकट में है। हमें शीघ्र अति शीघ्र वेदों को लौटाना है, अन्यथा वो असुर उन्हें अपने पेट में ही नष्ट कर देगा। अब तो आप ही कोई मार्ग सुझाने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, भंडासुर भले अभी सक्रिय ना हो, किंतु मैं तो अपना वचन नहीं भंग कर सकती। इस युद्ध में मैं जो भी करूंगी तुम्हारे सुझाव से ही करूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगी। अब तो तुम्हें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा पुत्र गणेश। असुर के गहन अंधकार में छिपे होने पर और उसके पेट में वेदों के होने पर भी आप ही उन्हें पुनः सक्रिय कर सकती हैं। मैं बनूंगा नई सृष्टि का सम्राट। तुम नहीं, मैं बनूंगा नया सम्राट। सम्राट तो दुर्गमा सुर ही बनेगा। मैं बनूंगा। के भीतर से ही प्रकाश निकल रहा है। मैं तुम्हारा आदेश मानने को बाध्य नहीं हूँ। मुझे अपनी भूल सुधारनी ही होगी। वेदों की शक्ति से हैग्रीव में भक्ति उत्पन्न हुई है। जब तक ये वेद उसके भीतर रहेंगे तब तक वो धर्म के मार्ग पर चलेगा, और वेदों के बाहर आते ही उस पर आसुरी प्रवृत्ति छा जाएगी। मुझे इस अंधकार के सागर से बाहर जाने के पहले रोकना होगा, वहाँ ये सुरक्षित नहीं है। जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अब और आगे बढ़े तो इसका घातक परिणाम होगा। ये क्या? इसको रोकने के प्रयास में मैं स्वयं अंधकार के सागर से बाहर आ गया। अब जब वो दोनों असुर अंधकार से बाहर आ गए तो अब आगे क्या करना है गणेश? माता, वेदों को उनसे मुक्त कराना है। रुको, वेदों को बाहर मत आने दो। रुक
रुको, ऐसा अनर्थ कदापि मत करना। प्रणाम माता। ये तो वही देवी है। प्रणाम प्रभु हैग्रीव। प्रणाम माता। देवी विशालाक्षी कल्याण। ए देवी, हट जा मेरे मार्ग से। इस बार मेरा अंत नहीं कर सकोगे तुम। असुरों का भी संहार हो गया, किंतु मैं सुरक्षित हूँ। अब मैं इस देवी सेना के नाश के लिए संपूर्ण शक्ति से प्रहार करूंगा। आपसी मतभेद से अविश्वास का जन्म होता है और अपनों पर अविश्वास पराजय की पहली सीढ़ी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.